एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल का आउटपुट देखने से पहले जस्ट सबसे पहले आपको खुद से सारे प्रोग्राम एनालाइज करना चाहिए व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट, देन ओनली आपको अपना खुद का आउटपुट मैच करना है आउटपुट प्रोवाइडेड बाय मी। इन दैट केस थिंक व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। अगर इनिशियली देखा जाए तो ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 1। इन स्विच के केसेस में बॉडी कैसा एम्प्टी, देन बॉडी एम्प्टी, देन उस केस में कर्ली ब्रेसेस से भी टर्मिनेट करना पॉसिबल है, सेमी कॉलन से भी टर्मिनेट करना पॉसिबल है। इस केस में स्विच एक्सप्रेशन जो सॉल्व हुआ उसके बाद ही केस सच वो केस है नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेशन दोनों ही केस में एग्जीक्यूट होंगे। तो इनिशियली अगर बात करें ए का इनिशियल वैल्यू क्या है इस केस में, फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन ऑफ ए, ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, देन प्री इंक्रीमेंट फाउंड हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले ए में इंक्रीमेंट हुआ, देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देन रिप्लेसमेंट इंक्रीमेंट के जस्ट बाद इस प्लेस पर रिप्लेस करेंगे इंक्रीमेंटेड वैल्यू है 2 अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन। अगेन क्या फाउंड हो रहा है प्री, पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट, रिप्लेस क्या करेंगे 3। इस केस में स्विच का बॉडी फर्स्ट सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो रहा है, इसे प्रिंट टैप कैसा है इंडिपेंडेंट, लेकिन प्रिंट टैप के केस में अगर आप कॉन्सनट्रेट होकर चेक करो इस केस में डिस्प्ले क्या करा है ओनली सिंपली ए नॉट अ वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज ए डबल कोट्स के फॉर्म में, इसलिए फाइनली इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा ए इटसेल्फ, मींस मैसेज में क्या प्रिंट हो जाएगा सिंपली ए। मींस अगर ए के वैल्यू की बात करें वैल्यू करेंटली 3 फाउंड हो रहा है, अगर आपको ए का वैल्यू डिस्प्ले कराना देन यूज करोगे लाइक दैट प्रिंट है परसेंट डी वैल्यू ऑफ ए, इस प्रिंट ऐप से आपको क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इज 3, लेकिन करेंटली क्या डिस्प्ले किया ओनली ए एज अ स्ट्रिंग मैसेज।